दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। अपने आसपास ना ऐसे अनगिनत लोग हमें मिल जाते हैं जो खुद के कामयाब ना होने की वजह के लिए अपनी जिंदगी के संसाधनों की कमी को रोते रहते हैं। कोई कहता है मैं बड़ा बढ़िया क्रिकेटर था, पापा ने पैसे दिए होते, थोड़ा मुझ पर खर्च किया होता तो आज कुछ बन गया होता। कोई कहती है मैं कम से कम सरकारी स्कूल में टीचर तो लग गई होती अगर घर वालों ने जल्दी ब्याह नहीं किया होता, फलाना फलाना फलाना। ऐसे लोगों के हिसाब से उनकी लाइफ में ऐसा होता तो वैसा वो पक्का कर लेते। पर दोस्तों, जिंदगी के एग्जाम में ना सवाल हमेशा सिलेबस से बाहर ही आते हैं। उनके आगे जो ना हारे वही है मुकद्दर का सिकंदर। आज मिसाल में मैं मिलवाऊंगी आपको एक ऐसे कूली से जो बिना संसाधन केवल अपनी मेहनत और कठिन तप से IAS बन गया। अगर इस देश में सिविल सेवा की परीक्षा यानी UPSC एक चक्रव्यूह है ना दोस्तों, तो श्रीनाथ वो अभिमन्यु है जो बिना किसी की मदद के ना केवल इस चक्रव्यूह में घुसे बल्कि उसे तोड़ जीत अपनी मुट्ठी में कर ली। एक तरफ हर साल लाखों लोग इस दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक UPSC पास करने के लिए हमारे देश में महंगी से महंगी हाईफाई से हाईफाई कोचिंग करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, अपने जीवन के बहुमूल्य साल दे देते हैं कि UPSC क्लियर हो जाए। उस UPSC को केरल के श्रीनाथ ने बिना किसी कोचिंग के पास कर लिया। इससे भी बड़ी बात जानते हैं क्या है, श्रीनाथ ने जब इस कठिन परीक्षा की तैयारी शुरू की तब वो रेलवे स्टेशन पर कुली थे। पहले केरल पब्लिक सर्विस कमीशन और फिर UPSC में कामयाबी पाने वाले श्रीनाथ केरल के मुन्नूर में रहते हैं। इनकी कहानी सुनिए जो अपने आप में आपके लिए एक मिसाल होगी। गरीब परिवार में जन्मे श्रीनाथ इकलौते कमाऊ आदमी थे परिवार के। वो रोज घर से 150 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन जाते, थोड़ा बहुत कमा कर घर आ जाते। हर दिन बस ऐसे ही कट रहा था। परिवार में बिटिया के आने के बाद जरूरतें बढ़ गईं, लेकिन एक कुली के तौर पर श्रीनाथ की कमाई वही थी। महंगाई का हाल तो आप जानते ही हैं। और श्रीनाथ को अंदर ही अंदर ना एक बात खाई जा रही थी कि मैं अपनी बच्ची को कैसा भविष्य देने वाला हूँ, मैं खुद अपनी बच्ची के लिए क्या इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए साल 2018 में श्रीनाथ ने खुद से एक वादा किया, वादा अपने हालात बदलने का, अपनी किस्मत खुद बनाने का। अपनी छोटी सी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए श्रीनाथ ने अपना वर्तमान बदलने की ठानी और सिविल सेवा परीक्षा देने का मन बना लिया। जब उनके आसपास के लोगों को उनका ये फैसला पता चला तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, एक कुली अब IAS बनेगा, वाह। पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए पैसा चाहिए, वक्त चाहिए, श्रीनाथ के पास कुछ भी नहीं था। लेकिन आप जो चाहे हासिल कर सकते हैं अगर उसके लिए आपका निश्चय मजबूत हो। श्रीनाथ ने भी यही किया। श्रीनाथ के इस कठिन राह को आसान बनाया रेलवे स्टेशन पर लगे फ्री वाईफाई ने। सोचिए, जो फ्री वाईफाई आपके हमारे लिए किसी यूट्यूब या किसी गाने को सुनने के इस्तेमाल में आता होगा, उस फ्री वाईफाई से श्रीनाथ ने UPSC क्लियर कर लिया। उन्होंने इस रेलवे स्टेशन के फ्री वाईफाई से अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट किया और बैठे बैठे वहीं कूली के तौर पर काम करते करते पढ़ाई शुरू कर दी। वो दिन भर कूली का काम किया करते, क्योंकि काम तो करना था, परिवार को पालना था, अकेले वही एक अर्निंग हैंड थे परिवार के। और उसी बीच जो थोड़ा बहुत वक्त निकलता कभी खाने के लिए या कभी आराम करने के लिए, और इसी मुफ्त वाईफाई से ऑनलाइन लेक्चर शुरू कर दिए सुनने। सोचिए, ऐसा कूली का काम जो आपके शरीर को पूरी तरह से तोड़ देता है, पूरा शारीरिक काम है ना, शारीरिक श्रम लगता है इस काम में, वो काम करते हुए श्रीनाथ ने फ्री वाईफाई इस्तेमाल किया और फ्री ऑनलाइन क्लासेस लेनी शुरू कर दी IAS की। फ्री ऑनलाइन क्लासेस से उनके मन में ख्वाब और पनपा कि नहीं, वो ये पेपर क्लियर कर सकते हैं। केवल मेहनत ही नहीं, श्रीनाथ ने स्मार्ट वर्क भी किया। बड़ी होशियारी से प्लानिंग की अपने सक्सेस के लिए। उनके पास वक्त और संसाधन बहुत कम थे। उन्होंने सफलता के लिए एक बेजोड़ प्लान बनाया। पहले UPSC नहीं, उन्होंने KPSC यानी कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी की और उनका ये प्लान काम आ गया। कितनी बड़ी बात है, सोचिए, एक कूली KPSC क्लियर कर गया। जब KPSC क्लियर हुआ तब उनके मन में कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। श्रीनाथ के मन में एक विश्वास आया कि अगर इसी तरह वो फ्री वाईफाई की मदद से फ्री लेक्चर सुनते रहे, पढ़ते रहे, लगातार अपना वक्त UPSC की परीक्षा की तैयारी के लिए देते रहे तो एक दिन UPSC भी क्लियर कर लेंगे। फिर क्या था,
श्रीनाथ ने आगे एक बार फिर से वही प्लान अपनाया। स्टेशन पर लगे वाईफाई की मदद से फिर तैयारी शुरू कर दी, इस बार यूपीएससी की। हालांकि बिना किसी कोचिंग के बहुत मुश्किल था ये, तभी भी श्रीनाथ के हाथ तीन प्रयासों में सफलता नहीं लगी। लोगों ने कहा छोड़, केपीएससी तो क्लियर कर ही लिया है, कहां यूपीएससी के चक्कर में पड़ रहा है। लेकिन श्रीनाथ तो श्रीनाथ थे, वो नहीं माने, हिम्मत नहीं हारी और अंत में अपने चौथे प्रयास में यूपीएससी पास कर ली। मोदी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल ने भी श्रीनाथ की हाल में मिली उनकी सफलता की कहानी दुनिया में शेयर की। दोस्तों, श्रीनाथ ने आईएएस बनकर उन लाखों लोगों के लिए एक मिसाल कायम कर दी, तो सोचते हैं कि गरीबी उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही। श्रीनाथ की ये मिसाल हमें बताती है कि अगर आपका सक्सेस को लेकर प्लान है और उस प्लान को पूरा करने के लिए हर दर्जे का जुनून है ना, तो आपके हौसलों के आगे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, घुटने तो टेकेगी ही टेकेगी। आपको श्रीनाथ की स्टोरी, ये मिसाल कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। शुक्रिया।